स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे निमराना की बावड़ी। जो निमराना की बावड़ी है, राजस्थान स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, वहाँ पे एक तहसील है निमराना, वहाँ पड़ती है। निमराना की बावड़ी राजस्थान की मशहूर बावड़ियों में से एक बावड़ी है। जो निमराना की बावड़ी है ये दिल्ली जयपुर रोड पे दिल्ली से 122 किलोमीटर चलने के बाद पड़ती है। चलिए आज आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी निमराना बावड़ी। निमराना की जो बावड़ी है उसके अंदर टोटल 150 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो टोटल 150 सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी। निमराना की जो बावड़ी है वो टोटल 250 फुट गहरी है और इसके अंदर टोटल 9 मंजिलें बनी हुई हैं। आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक इसकी गहराई कितनी है, काफ़ी ज़्यादा गहरी है ये। और पहले के ज़माने के अंदर इसको यहाँ पे पानी भरा रहता था। गांव के जो लोग हैं, गांव की जो पनिहारिणी है, यहाँ पे पानी लेने के लिए आया करती थी, लेकिन आज ये सूखी पड़ी है। और इसकी ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी काफ़ी अब फिलहाल जर्जर हालात के अंदर हैं। कुछ सीढ़ियाँ चलने के बाद ये जो बाकी की सीढ़ियाँ हैं ये टूटी हुई हैं। आप देख सकते हो सारी की सारी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। टोटल 150 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। काफ़ी गहरी बावड़ी है ये, वन ऑफ द फेमस बावड़ी ऑफ राजस्थान आप बोल सकते हो उसको। ये है वो बावड़ी जहाँ पे पानी स्टोर होता है। इसकी आप गहराई देख सकते हो, आप गिन सकते हो कितनी इसके मंजिलें हैं। ऊपर से आग गिरना स्टार्ट करें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और नीचे की अगर आप काउंट करें उस कुएं को तो 9। तो टोटल 9 मंजिलें इसके अंदर बनी हुई हैं। और वो आपको सामने जो कुआं दिखाई दे रहा है वहाँ पे फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा पानी है। पहले के ज़माने के अंदर यहाँ पे ये पूरी पूरी बावड़ी पानी से भरी रहती थी। जो गांव के लोग हैं, गांव की जो पनिहारिणी हैं, यहाँ पे पानी लेने के लिए आती थी, लेकिन आज हालत ये हो चुकी है कि ये खुद प्यासी है। और यहाँ पे मेरे को एक आश्चर्य की बात ये लगी कि यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा जैसे कि पायल की आवाज़ आती है ना, वैसे आवाज़ आने लग रही है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो पायल की आवाज़ है, किसी भी जानवर की आवाज़ हो सकती है वो, लेकिन आप सुनो ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू पायल की आवाज़ यहाँ पे सुनाई देने लग रही है। हो सकता है कोई जानवर बोल रहा है, लेकिन ये आवाज़ कंटिन्यू आपको सुनाई देगी। ये भी हैरान करने देने वाली बात यहाँ पर है। और इसके साइड में ही कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं है। आई थिंक वो भी इतना ही गहरा होगा, 250 फुट के आसपास गहरा कुआं है, आपको दिखाएंगे। और इस बावड़ी के लगता ही कुआं है, और जो आपको सामने वो होल दिखाई दे रहा है उस होल में से आपको कुआं दिखाएंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सावधानी से आएँ, क्योंकि इसकी हालत काफ़ी जर्जर हो रखी है। आपको बिल्कुल सावधानी से आना है, अगर आपसे थोड़ी भी चूक होती है तो दिखाई दे रहा बिल्कुल गहरी यहाँ पे बावड़ी है, थोड़ी चूक सीधा आपको मौत की तरफ लेके जाएगी। तो प्लीज़ बी केयरफुली अगर आप यहाँ पे आएँ। इस बावड़ी के बिल्कुल लगता ही आपको कुआं दिखाएंगे, वो भी काफ़ी गहरा कुआं है। और जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि यहाँ पे छन छन की कंटिन्यूस आवाज़ आने लग रही है, वो उसका राज मेरे को मिल चुका है। यहाँ पे जो ये चकचुंदर हैं ये कंटिन्यू आवाज़ निकाल रहे हैं इसकी, आप सुन सकते हो। देखो ये आवाज़ आने लग रही है कंटिन्यू। और इस बावड़ी के लगता ही ये कुआं है, इस होल से आपको कुआं दिखाई देगा, काफ़ी गहरा कुआं है ये, आप देख सकते हो।
अभी फ़िलहाल इसके अंदर काफ़ी गंदा पानी है, लेकिन पहले के टाइम के अंदर यहीं से लोग अपनी प्यास बुझाया करते थे, और आज के टाइम पे ये कुआ खुद प्यासा है। और इसके अंदर काफ़ी आवाज़ गूंज रही है, और दूसरी बात यहाँ पे ना काफ़ी स्मेल हो रखी है। जो ये चकचुंदर हैं, जो कबूतर हैं, इन्होंने बीट कर रखी है, तो इनसे काफ़ी स्मेल बनी हुई है। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं मैं, इस बावड़ी के अंदर नीचे उतरने का जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, देखो आप, ये इस तरीके से वेवनुमा सीढ़ी बनी हुई है। इन सीढ़ियों से नीचे बावड़ी के अंदर जो बिल्कुल निचली तलहटी है वहाँ पे उतरा जाता है, लेकिन फ़िलहाल ये सारे की सारी जो पैड़ियाँ हैं अपनी जर्जर हालात के अंदर हैं, तो नीचे जाने का आप रिस्क ना उठाएं, गिर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है। और आपको एक रोचक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो आपको बावड़ी के अंदर तलहटी के अंदर नीचे वो सुरंग दिखाई दे रही है, पहले के ज़माने के अंदर जो राजा की रानी थी, इसके लगता ही महल है राजा का, उस महल से सुरंग के रास्ते इस बावड़ी के अंदर नहाने के लिए आती थी। राजा ने अपनी रानी के लिए नहाने के लिए यहाँ पे स्पेशल सुरंग बनवा रखी थी। अब हम बावड़ी की जो ऊपरी मंजिलें हैं वहाँ पे आ गए हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर से बावड़ी का व्यू कैसा दिखाई देता है। और सभी की सभी मंजिलें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये छज्जे हैं, तो आप यहाँ पे आए तो यह सावधानी से आएं। और आपको एक डेंजरस बात और बताऊं, यहाँ पे काफ़ी डेंजरस चीज़ें हैं, आपको दिखाई दे रखा होगा ये बड़े बड़े माल के छत्ते लगे हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ख़तरा है। अगर ये मक्खियाँ अगर उठ गई तो जान को काफ़ी ख़तरा हो सकता है। आपको सामने एक छत्ता वो दिखाई दे रहा है, एक छत्ता वो दिखाई दे रखा होगा, और एक छत्ता बिल्कुल मेरे नीचे है, तो इस मंजिल पे काफ़ी ख़तरा है। तो आपको इस मंजिल से ना दिखाते हुए व्यू, आपको ऊपर मंजिल वाले से दिखाते हैं सारा सारा व्यू। और ये है इस बावड़ी का ऊपर से व्यू, ऊपर खड़े होकर आप जब देखोगे नीचे बावड़ी को तो आपको डर लग सकता है, तो सावधानी से इसको देखें, काफ़ी गहरी बावड़ी है ये, थोड़ी चूक मौत को दस्तक दे सकती है। तो ये थी निमराना की बावड़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।